हेलो फ्रेंड्स, सरकार ट्रेडर्स चैनल में आप लोग को फिर से एक बार स्वागत स्वागत है। मंडे का सेशन, क्या गैप डाउन होगा? एसजीएक्स निफ्टी गिरा हुआ 116 पॉइंट, 116 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी डाउन। किस वजह से हुआ? अगर आपके पास 15,900 का कॉल पड़ा हुआ है तो क्या रिजल्ट आ सकता है? अगर आपके पास 15,800 का पुट पड़ा हुआ है तो क्या रिजल्ट आ सकता है? कमेंट सेक्शन में पूछने का कोई जरूरत नहीं है, पूरा रिजल्ट आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, खुद को समझने में आ जाएगा कि आगे आपको ऑप्शन का स्टॉक प्राइस एक दिन बाद क्या वैल्यू रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो को, जहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो कॉल या पुट हम कैरी करके रखे हैं उसका कितने पे ओपन होने वाला है मंडे के दिन। दोस्तों, ये फुल्ली टेक्निकल चार्ट है और इस चार्ट को हम यूज करते हैं, यूज करके आपको एक एक लेवल इंट्राडे के अंदर पिन पॉइंट बताने का कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा हम चले जाएंगे ऑन डे का चार्ट में। एंड ऑन डे का चार्ट में जो देखने की कोशिश करेंगे, क्लियर एक रेड पैटर्न पिछले दिन बनाया था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वाला बात क्या था एंड नेगेटिव वाली बात क्या था, ये मैं आपको कल का वीडियो में क्लियर समझाया था। अब हमेशा शायद जो लोग हमारा वीडियो को सब्सक्राइब कर रखे हैं, बेल आइकन दबा रखे हैं, उन लोग हर एक वीडियो देखते होंगे यार, उनको मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि फ्राइडे के दिन में हमें कोई पोजीशन कैरी नहीं करना है, दो दिन आराम का जिंदगी बिताना है, तो उससे अच्छा आप चौराहे पे जाके 100 रुपये का लॉटरी काट लो। ये मेरा हर फ्राइडे एंड एक्सपायरी डे से पहले का कहना होता है। ओके, अब मैं बात करूंगा कि अगर आप कौन सी पोजिशन कैरी करके चले, जिन लोग कैरी करके चले हैं, जिन लोग नहीं चले दो दिन आराम से बिताएंगे। ठीक है, जिन लोग कैरी करके चलेंगे उन लोग मेरे वीडियो जैसे आप देख रहे होंगे, ऐसे मेरे ख्याल से इससे पहले 10 वीडियो आप देख लिए होंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या था, हाई शिफ्टिंग होता दिखाई दे रहा था, लो शिफ्टिंग होता दिखाई दे रहा था, लेकिन नेगेटिव बात क्या था कि 3 दिन ग्रीन बनने के बाद एक दिन रेड बना, एक नेगेटिव बात था। ग्लोबल मार्केट का जब हम एनालाइज कर रहे थे तो ग्लोबल मार्केट यहाँ से देखो जो कैंडल बना था, यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल बनने का तैयार था, लेकिन न्यूज इफेक्ट हमेशा मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस को फेल कर देता है। और यहां पे हम देख पा रहे हैं ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आ रहा है, ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव 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 रिटर्न रेड लाइन भरा हुआ है। और एसजीएक्स निफ्टी हम देख पा रहे हैं 116 पॉइंट डाउन, यानी कि 15,820। आई थिंक आप सभी लोगों को यह चीज पता होगा कि एसजीएक्स निफ्टी होता क्या है। मैं हर हमेशा संडे दोपहर 2 बजे का जो डेमो क्लास होता है उसमें मैं ब्रीफ करने का कोशिश करता हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ। तो एसजीएक्स निफ्टी, तो फ्रेंड्स मैं इस संडे को भी कोशिश करूंगा कि आपको यह पता चल जाए कि एसजीएक्स निफ्टी होता क्या है, एसजीएक्स निफ्टी की वजह से इंडियन मार्केट गिरता क्यों है। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया मार्केट क्यों गिरा, कितने पॉइंट गिरा। अब रह गया है मंडे सुबह, अगर मंडे सुबह 6:30 पे एसजीएक्स निफ्टी ओपन हो जाएगा, थोड़ा बहुत रिकवरी आता है तो थोड़ी सी गैप डाउन कम होने का उम्मीद है। अदरवाइज यहां से फिर से 15-20 पॉइंट और माइनस हो जाता है तो हमारा इंडियन मार्केट डेफिनेटली 100 पॉइंट से भी डाउन होगा। ये क्लियर हो गया, अब मैं चलता हूं। डाउन अगर होगा तो सपोर्ट कहां कहां ले सकता है, तो ये निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहला जो सपोर्ट रहेगा, आपको लिख लीजिएगा 15,815, नियर अबाउट ये हाई देख रहे हैं, इससे भी नीचे। क्या चीज है, मैं क्या देख के आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये टेक्निकल चीज है, टेक्निकल पॉइंट है। ओके, जिस टेक्निकल पॉइंट के बेस पे हम छोटी टाइम फ्रेम की मदद से आपको ये बता सकते हैं कि इसके बाद जो सपोर्ट लेने का जगह रहेगा 15,815 नियर अबाउट। अगर सुबह के सेशन में तेजी से इस लेवल तक पहुंच जाता है तो आप 5 मिनट देखिएगा कि यहाँ पे सपोर्ट लेक के बाउंस बैक आ रहा है, तो सुबह के सेशन में एक बाउंस बैक की स्थिति आपको दिखाई दे सकता है। तो आप बोलेंगे तो हमने जो कॉल ले रखे तो उसमें वेट करें, थोड़ी सी वेट कर सकते हैं। इसको ओपनिंग जो हो सकता है 15,900 की बात कर रहा हूँ, 15,900 का कॉल अगर किसी के पास होल्डिंग है तो इसका ओपनिंग नियर अबाउट 40 के आसपास होगा। पिछले दिन क्लोजिंग कहाँ हुआ, 93, ये 40 के आसपास ओपनिंग होगा। मुझे ये कैसे पता चला ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ओके, तो यहाँ पे ओपन होने के बाद सपोर्ट लेके थोड़ी सी बाउंस बैक आ सकता है। अब हो सकता है ये बाउंस बैक पूरा पूरा यहां तक भी आ सकता है।
अदरवाइज थोड़ी सी बाउंस बैक यानी कि 80 कहां तक आ सकता है बाउंस बैक, मैं जस्ट आपको डिस्कस करने का कोशिश करूंगा ये बाउंस बैक की स्थिति मुझे कहां तक दिखाई देने के लिए मिल रहा है। तो मैं यहां पे 15 मिनट के चार्ट पे अगर चलूंगा तो आपको इस जगह पे दिखाई क्या देगा, इस जगह पे जो दिखाई देगा कि इस जगह तक डाउन होने के बाद जो रिटर्न हो सकता है 15,070 to 75। ओके, जो ये हाई देख पा रहे हैं आप लगभग इसी का बीच वाला किसी पोर्शन तक ये बाउंस बैक अगर यहाँ पे होता है तो यहाँ से इस जगह तक बाउंस बैक हो सकता है। अगर इससे भी नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो निफ्टी का सपोर्ट 700 का करीब जाता है, 15,700 के करीब जाता है। क्लियर, ये पोर्शन क्लियर है आपका। ओके, अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन होगा तो मैं बैंक निफ्टी का जब डिस्कस करूंगा तो यहाँ पे मैं छोटी टाइम फ्रेम के साथ डिस्कस जब करने जा रहा हूँ तब जो मुझे फर्स्टली सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 35,540 ये मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ओके, कहाँ पे बन रहा है ये लाइन ध्यान से देखिएगा, ये 500 है और ये जो लेवल है ये लेवल आपको 70 के आसपास दिखाई दे रहा है, बट मुझे जो टेक्निकली जो लेवल दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न से दिखाई दे रहा है, बट जो टेक्निकली पैटर्न से मुझे दिखाई दे रहा है वो ये लेवल निकल के आ रहा है, यानी कि 35,570 to 35,540 इस लेवल पे आपको अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पे अगर ओपन होता है इस चीज को सपोर्ट लेता है तो थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है, वो बाउंस बैक कहां तक आएगा चलिए ये भी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी का ये बाउंस बैक कहां तक आ सकता है, तो ये जो बाउंस बैक है फर्स्टली आपको बाउंस बैक आ सकता है 700 तक, कहां तक 700 तक। ओके, ध्यान दीजिएगा अगर 35,500 को भी तेजी से डाउन ब्रेक कर देता है, 35,500 को भी तेजी से डाउन ब्रेक कर देता है तो और गिरावट यहां पे आ सकता है। ओके, और गिरावट यहां पे आ सकता है, यहां पे ये सपोर्ट हमने देख लिए हैं, इस सपोर्ट के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो आपको धीरे धीरे फिर 35,300 के तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि मंडे का सेशन आपको सुबह के सेशन काफी वोलेटाइल दिखने को मिल सकता है। राइट, काफी वर्टिकल दिखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा है ये मैं आपको सामने ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का एनालिसिस जो है हमारा चैनल पे ये फ्री में सिखाया जाता है कि बहुत सारे टेक्निकल कोर्स में अगर जाएंगे तो ट्रेंड लाइन एनालिसिस के पीछे आपको 10,000 रुपए फीस ले लेंगे, लेकिन जो हमारा एनालिसिस होता है वो काफी डीपली एनालिसिस है कि आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन ही समझाया नहीं जाता है, ना कि सिर्फ कैंडल स्टिक ही नहीं समझाया जाता है, आपको इसका आगे एडवांस लेवल तक समझाया जाता है। तो मर्जी आपकी है कि आपको मंडे का दिन में एक झटका में हो सकता है 5,000 से 7,000 रुपए नुकसान हो जाए, अगर आप सीखे हुए तरीके से डिसिप्लिन के साथ मार्केट में ट्रेड करेंगे तो हर रोज बीच बीच में ये 7,000 10,000 का नुकसान आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आपके पास 25 जुलाई के लिए सीट बुक कर सकते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ 2,000 से सीट बुक कीजिए, ट्रेडिंग को धीमा कर दीजिए, पैसा को बचा कर रखिए, अपना सीखे हुए तरीके से ट्रेडिंग कीजिए अफ्टर 05th अगस्त, यानी कि 25 जुलाई से 5th अगस्त तक हमारा नेक्स्ट बैच चल रहा है, जिसके लिए सीट बुकिंग फीस है 2,000, बैलेंस 5,000 आपको जिस दिन क्लास स्टार्ट होगा उस दिन पे करना होगा, 2,000 पे करने के बाद ही आपको डेली व्हाट्सएप में एक एक दो दो कॉल दिया जाएगा जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सर्कल ट्रेडर्स का है, बाकी किसी का नहीं है। चलिए दोस्त, अभी हम देखते हैं जो मैं जो कॉल ले रखा हूँ उसका क्या रिजल्ट आएगा। देखो, जिन लोग पुट ले रखे हैं उनको मैं कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि उन लोग ऑब्वियसली प्रॉफिट में ही रहेंगे, है ना, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही रहेंगे, तो इसलिए जिन लोग कॉल ले रखे हैं जस्ट उनके लिए मैं बात करता हूँ जो उनका क्या स्थिति हो सकता है। तो जिन लोग हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने होंगे उनको ये स्थिति देखना नहीं पड़ेगा, ये टेंशन लेना नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उन लोग कोई पोजिशन कैरी नहीं किए होंगे, जो मैं समझाता हूँ वो उन लोग समझते होंगे। तो देखिए, निफ्टी का क्लोजिंग कहाँ है, 15,923, आपको मैं दिखाता हूं, यहां पे कर दीजिए 15,923। ओके, अब ये चीज है, ये चीज है वोलेटिलिटी, ये कहां से आता है, एनएस इंडिया का साइड से आता है, रिस्क फ्री रेट ये कहां से आता है, एनएस इंडिया का साइड से आता है, तो डे कितना बच गया है, 6 दिन बचा हुआ है, स्टॉक प्राइस कौन सी है, 15,900 है, इतनी चीज हम यहाँ पे फिलअप कर दिए हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर दिए, तो जो आपको निकल के आ रहा है जो प्रीवियस डे 15,900 का जो कॉल है ये कहाँ पे क्लोजिंग हुआ है ये आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे आप डाल सकते हैं
बैंक निफ्टी का कोई पोजीशन है तो वो डाल सकते हैं कि बैंक निफ्टी कितने पॉइंट डाउन हो रहा है ये आप लगा लीजिए। तो ये ऑप्शन कितनी पॉइंट पे ओपन होगा ये आपको क्लियर आ जाएगा। अब मान लो मैं बात कर रहा हूँ 100 पॉइंट डाउन होगा तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 800 किया कि 23 किया, ठीक है 823 किया कि 100 पॉइंट डाउन हुआ, स्टॉक प्राइस यही है, वोलेटिलिटी यही है, ओके रिस्क फ्री रेट यही रहेगा, डे रह जाएगा आपको 6 डे, और यहाँ पे आपने कैलकुलेटर ओपन कर लो, आपको क्या दिखाई दे रहा है 43 के आसपास ये ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुट जो होगा अगर 15,900 का पुट आपके पास है वो 94 में चला जाएगा, अगर कॉल आपके पास है तो 43 में चला जाएगा। अगर ये चीज आपको नया मिल रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक का बटन में कंजूसी ना कीजिए। इस तरीके से बहुत सारे मार्केट एनालिसिस एंड बहुत सारे मार्केट रूल्स को जानने के लिए वेट मत कीजिए, डिले मत कीजिए, सीखे हुए तरीके से ट्रेडिंग कीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।